बिल्कुल 100% जीतेंगे जी, इसमें कोई दो राय नहीं। आज का जो जन सैलाब आपने देखा ही होगा, तो जीत तो 100% क्लियर है जी, उसका इंतजार ही करना है। और हमारे हलके के जो हमारे चौधरी धोड़ाराम जी, उनकी तरफ से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे हैं, क्योंकि उनका भी वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। तो सारे बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता कर लो या जो भी विधायक है, मंत्री है, सबका जो एकजुट होकर इस इलेक्शन को ये लड़ रही है, और जीत तो 100% निश्चित है जी, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी की गारंटी को सभी बहुत बढ़िया देखते हैं जी, बिल्कुल है, सभी के खातों में पैसे आ रहे हैं। हर मतलब जो भी है, आप कहीं से भी रोड पे जाके देखो जी, अभी 33 फुट का कोई भी रोड है, वो भी कोई भी तो रनिंग पे है, आधे रोड बन चुके हैं। इस तरह का विकास मतलब 100% विकास होने लग रहा है जी। किसानों के सोलर पैनल, आज आप कहीं पर जाओ रोड के ऊपर, जिस रास्ते से निकलोगे सारे खेतों के अंदर आपको सोलर पैनल के ऊपर मिलेंगे, ट्यूबवेल है। और अभी सेम की भी जो ट्यूबवेल है वो भी मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से लगा रही है, और सब्सिडी की सबसे ज़्यादा वो है जी। वो तो अभी मतलब एक चुनावी माहौल के अंदर अभी आए हैं यहाँ, वो 24-25 साल बाद हैं, पहले लड़ चुके हैं, वो राजनीति के अंदर इस एरिया से धरती से अपने जो लोकसभा का जो क्षेत्र है उससे जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है जी। वो यहाँ इतने मतलब जुड़े नहीं रहे, अभी आए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अशोक तंवर जी की 100% गारंटी है, जीत निश्चित है। आने वाली 4 जून को आप देख लेना, यह टिकट तो है, तो कम से कम है तो 3 लाख+ वोटों से यहाँ से अशोक तंवर जी जीत के निकलेंगे। मोदी जी की ये गारंटी है कि आप अशोक तंवर जी यहाँ से निश्चित जीत के निकलेंगे 3 लाख+ से। क्लियर जीत है 101। मोदी सरकार तो बहुत कुछ दे रहा, क्यों जनता ने किसान लोगों ने सोलर मारा, अभी फ्री लगन लाग रहा है फ्री। और किसानों का अभी बरेडा है कार्ड डबाऊँ, अभी भी फोन आ रहे हो मेरे खेत में, अभी लगा हुआ है, मैं जाऊँ जल्दी पहुँचना चाहूँ। बहुत मारी पीढ़ी मंदोरी का मैं कम 80 आदमी लग गया है, अभी 80 बच्चा, इससे ऊपर तो क्या कर सकते हैं। सिर्फ लाइब्रेरी में फुल खर्चा लाइब्रेरी में पढ़ा है बच्चा, नौकरी मोदी सरकार में सैकड़ों सोलर लग गया जी, बिना पीछा नहीं है, एक पीछा गरीब घर का एक तो हमारा चमारा में सोलर लगे है, कभी कांग्रेस में जिंदगी में लगा रहा, एक घर में तो 6 टावर लग गया है। मोदी सरकार में बहुत ज़्यादा काम हुए हैं, बगैर खर्ची और बगैर पर्ची के हमारे गांव से कम 70 से 80 बच्चे पढ़ने वाले गरीब घरों से लगे हैं। दूसरे नंबर आयुष्मान कार्ड, जो एक गरीब की ज़रूरत होती है, वो कम से कम 1100 आयुष्मान कार्ड हमारे गांव में बढ़ चुके हैं। 100-150 का हर कई 100-150 बंदों ने उसका लाभ भी ले लिया है, किसी ने ऑपरेशन करवाया, किसी ने कुछ करवाया, किसी ने कैंसर का रोग का इलाज करवाया, किसी ने किसी का हर चीज़ का करवाया। हमारे गांव में बीमा पॉलिसी के तहत कई करोड़ रुपए हर साल हर 6 महीने किसानों के खाते में आते हैं, जो कि हर किसान के 2 लाख, 4 लाख, 1 लाख और सोलर वाले ट्यूबवेल 25% पैसे बढ़ने के बाद 200 किसानों ने अपने खेतों में लगा लिए हैं। और 30 से 40 से 50 सेम ग्रस्त एरिए के लिए हमारे गाँव में ट्यूबवेल लगे हैं। और हमारे गांव से माननीय विधायक चौधरी धूड़ाराम जी भी बहुत ज़्यादा विकास करवा रहे हैं, जो कि हर गांव हमारे गांव के दुख सुख में और में हर तरह से शरीक रहते हैं। छोटा बड़ा कोई भी काम हो उनके पास जाते हैं, तो वो जाते हैं हमारे गांव के लिए, हर 24 घंटे तैयार रहते हैं। कुछ जीत निश्चित है जी, पहली बार प्रधानमंत्री 100%।